ऐसा दोस्त है जो कि हाइट से छोटा, लेकिन हम दोनों ऐसी क्या बोलूँ मैं, चलो भैया किस कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारी ट्रेन है, अब हम बैठ चुके ट्रेन में सारे। एंड यहाँ मेरा छोटा भाई सुमित फ़ोन से विंडो शॉट ले रहा है ट्रेन के। बेसिकली मेरा और सुमित का सीट सर ने एसी कोच में बुक कराया है और मैं पहली बार ये एसी कोच में बैठ रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बैठ के। सो अभी हम इटारसी रेलवे स्टेशन में पहुंच गए हैं और सर जा रहे हैं हमारे लिए कुछ लेने। घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं इधर ट्रेन से निकल के, खीरे खरीद रहे हैं, खीरे भी खरीद रहे हैं, घूम रहे हैं। हमारी ग्रीन लाइट हो चुकी है, समहाउ हमने दौड़ ट्रेन पकड़ लिया है फाइनली। किस कोच में है? B3 में हमारा। सो बाकी लोग स्लीपर कोच में बैठे थे एंड आई थिंक हमारा स्टेशन आ गया है नासिक रोड, तो अब देखना है कि किस तरफ ट्रेन रुकेगी। कौन दरवाजा खोल के देखे, एक बार स्टेशन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना, हमारा स्टेशन अब आ गया। सो यहाँ मैंने झूठ बोल दिया, मुझे कोई स्टेशन दिख ही नहीं रहा था। भाई दरवाजा खोल लो, दूसरी साइड है, मेरी वाली साइड है। तो फाइनली हम 26 घंटे का ट्रेन का ट्रेवल करके नई दिल्ली से नासिक रोड आ गए हैं और ये रहे हमारे सर और उनके साथ में आदर्श भैया, आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस हम नासिक रोड स्टेशन पे आ गए हैं जो कि महाराष्ट्र में है, हमारे इसके बाद यहाँ से जाएंगे, मैच होगा तो स्कूल यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से किसी से या बस से या फिर टैक्सी से जाएंगे। सर अभी इंतजाम कर रहे हैं उसका। दैट इज इट। हेलो द पीपल ऑफ अर्थ, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका, धड़ देते स्वागत है आपका दुनिया के स्वर्ग में। तो हम लोग दिल्ली से नासिक आए हैं, हमारा टोंगिल मोडो का नेशनल लेवल चैंपियनशिप है, दिल्ली की टीम आई है, तो हम सारे इधर आए हैं नासिक में। लगभग 26 घंटे का ट्रेन का सफर था, एक्सक्लूसिवली बुलाया गया है। हाँ आता नहीं थोड़ा, मैं यहाँ पे आता है कि मुझे एक्सक्लूसिवली सर के द्वारा बुलाया गया है। मेरी टिकट एसी कोच में बुक की गई थी और भाई की भी, तो हम दोनों एक साथ हैं एसी टिकट में, एसी कोच में। सारे टीम मेम्बर्स यहाँ पर बैठ कर चॉपर का वेट कर रहे हैं। इस बंदे की बात से मैं थोड़ा सा भी हर्ट नहीं हुआ, बिकॉज इसी का चॉपर है तो इतना तो सह सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, हम नासिक आ चुके हैं और ये रोड नहीं देखो चोर सी शक्ल का, चलो बढ़िया चपरी, चलो बोलो कहता ये इतने बैठे मार दे बाद में बात। अरे यार ये लो हंस रहे यार। अबे तू बोलना, तुम बोलो। स्वागत है आपका। तो हेलो गाइस, हम आज नासिक आ चुके हैं, यहाँ पे हमें सबकी प्यार की माँ की आज से पूजा करनी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हट नहीं भाई मेरे पास। स्वागत है आपका मेरा व्लॉग में और आपसे क्रिएटर मैं उसका, मतलब आपसे मैं बना चैनल हैक नहीं है, एक्सपोज कर दो इस बंदे को मैं, ठीक है? सारे सीक्रेट्स बताए। हाँ सारे सीक्रेट बताए मुझे इसके, जो मेरे साथ में रिलेटेबल है हम दोनों के बीच में कुछ चीजें मेरे रिलेटेबल है। ये मेरा ऐसा दोस्त है जो कि हाइट से छोटा, लेकिन हम दोनों ऐसी क्या बोलूँ मैं, चलो भैया किस कर लेते हैं। लेकिन हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और बहुत सी बातें शेयर करते हैं आपस में। और मैं भी हूँ, ठीक है? नाम क्या आपका? शांतनु। ऐसे नहीं, असली नाम है? असली नाम क्या है? शांतनु। सन्नाटा भाई, इनके बाल देखिए, जर्मनी से कटवाए थे। लाइट नहीं आ रही यार, अभी हम जाएंगे फिर आपसे बात करेंगे। हाँ तो ये हमारा स्टे ईयर बिल्डिंग, इसी में शायद रुकेंगे हम, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। सेकंड फ्लोर पे हमारा स्टे मिला है और बैग लेके चढ़ना और पार्टी खाने जा रही है। बेसिकली हमें इस हॉल में कुछ देर के लिए, एक दो घंटे के लिए यहाँ रहना है, फिर उसके बाद हमारा रूम अलॉट हुआ कि हम कहाँ पे रहेंगे, तो इस हॉल में हम कुछ देर के लिए हैं। और सो ये है वो हॉल जहाँ पे हम ठहरने वाले हैं और यहाँ हमारे सारे ग्रुप के मेम्बर्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये रहे हमारे शेषनाथ भैया जो कि बोझ ढो के आ रहे हैं, और साइड में कुछ अलग स्टेट के बच्चे हैं जो कि ठहरे हुए हैं। तो इस हॉल में 1.5 घंटे रुकने के बाद हम कहीं जा रहे हैं, शायद जहाँ हमारा स्टे वहाँ पे जा रहे हैं या फिर हॉल में जा रहे हैं जहाँ पे मैच होगा। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.
बेसिकली गाइज मैं यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, इसलिए मेरे को ये बोरा मिल गया ले जाने के लिए। सारे मेरे से रिक्वेस्ट करने लगे कि आदित्य भैया आप ही हो स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आप ये बोरा ले लो वरना। ये बोरा बहुत ही हल्का है, आई कैन डू दिस ऑल डे, आई कैन डू दिस ऑल डे, या आई नो। सो बेसिकली हम लोग शायद यहाँ से मठ में जा रहे हैं किसी, तो हम मठ में रहेंगे शायद से, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे एक क्यूट सा एक बस स्टॉप है, छोटा सा क्यूट सा, पर हम यार रुकने वाले नहीं है, हम एक भैया नहीं भी हो रहा। हाँ क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और ये हमारा भाई शिवम ये बहुत सारा सामान लेकर आ रहा है, दो दिन पहले रहा हूँ भाई यहाँ तक कि आदित्य भैया भी लाए, देख लो मेडिकेट वगैरह, तो ये देखो हमारा रोहित भाई, ये हमारी अलका मैम है, पर यहाँ का व्यू अच्छा हो रहा है, एक बार दिखा दो भैया इनको यार, ये सब देखो साइकिल मैन जा रहा फरफराते हुए। तो गाइस बेसिकली मैं यहाँ पे सबसे अमीर इंसान इस समय हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पास ही सारा धन है आज, तो बेसिकली मेरे पास ये इतना पैसा था कि मैं बच्चों को ले जाऊँ बस से ले जाऊँ या फिर ऑटो से ले जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हेलो हेलो गाइस, मेरे पास इतना पैसा था कि मैं इन लोग को ले जाऊँ बस से या फिर ऑटो से, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम सेव मनी नहीं, सेव मनी क्या भाई, मॉर्निंग वॉक कर लेंगे बच्चे और थोड़ा सा हम 5 किलोमीटर चल रहे हैं तो जाएगा सामान लेके, तो बेसिकली इनकी फिटनेस के लिए मैंने ये रखा, और रिया फिटनेस की ऐसी तैसी हो रही है। ये कोई महाराज जी का आश्रम है, तो इस आश्रम में हम रुकेंगे गाइस, हम यहाँ रुकने वाले हैं, महाराज मैच जब पर हम यहाँ भोजन कर रहे हैं, आज हम यहाँ रुकेंगे, हमारा होटल यहीं पे, आज हम रात बिताएंगे। तो बेसिकली हम मठ में घुस गए हैं और हम इसी मठ में रुकने वाले हैं 5-6 दिन जितना भी रहना है 12 तारीख तक, तो मैच तो उधर ही होगा किसी स्टेडियम में, लेकिन हम आप रे तो फटे नबाबी ना घटे। आश्रम में सिर्फ गर्ल्स रहेंगी और हम बॉयज यहाँ से जा रहे हैं जहाँ से आए थे उसी स्टेडियम के पास में, सारे बैग वगैरह लिए इसी गाड़ी से जाएंगे हम। व्लॉग चल रहा है, चलो चलो हेलो कर दो, हेलो कर दो हमसे, हेलो करो, व्लॉग चल रहा है। हम इतना मेहनत से वहाँ से बैग वगैरह लेके आए थे, फिर हम वहीं पे जा रहे हैं गाड़ी से, सही है वहाँ पे रहेंगे तो थोड़ा आराम रहेगा, वहीं से वहीं तुरंत फाइट होगी, वहीं फिर अरेस्ट कर लेंगे, और यहाँ रहते तो यहाँ से चल के जाना पड़ता उतना दूर, फिर वहाँ पे इवेंट होगा तो होता, फिर रात को फिर यहाँ आओ, फिर जाओ आओ, फिर थक जाते, तो ये सही हो रहा है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो हमारे ब्रेकफास्ट में ये बन रहा है पोहा है, और उसके ऊपर कुछ नमकीन सा है, और चाय मिला है, तो ब्रेकफास्ट ये रहा, और ब्रेकफास्ट करते हुए विशाल और ये हमारे खत्री भाई साहब। वो टेस्ट, ये मैंने ऐसा पोहा कभी खाया नहीं, ऊपर जो नमकीन पड़ा हुआ है वो टेस्टी लग रहा है। दोबारा से खाने का मजा ही कुछ और है।